हेलो फ्रेंड्स ई कॉमर्स का पार्ट सेवन ये है जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे वैल्यू चेन ठीक है तो वैल्यू चेन ओवरऑल होता क्या है तो अगर एक सिंपल एक सिंगल लाइन में बोलना चाहें चेन क्या होता है तो uh, बोल सकते हैं व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्क टुगेदर टू फिनिश अ स्पेसिफिक टास्क और प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड वैल्यू चेन ठीक है तो ओवरऑल ये डेफिनेशन क्या कह रही है स्ट्रिंग ऑफ कोलेबरेटिंग प्लेयर्स हु वर्क टुगेदर टू स्पेसिफाई मार्केट डिमांड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज इज़ कॉल्ड वैल्यूचन ठीक है तो जो मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए अगर ग्रुप ऑफ पीपल्स हाँ एक साथ मिलकर उस सर्विस उस प्रोडक्ट को फिनिश करने के लिए वर्क करते हैं तो उसी को हम क्या करते हैं चेन ठीक है तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई वैल्यू चेन की और क्या क्या यूज़ है ई e कॉमर्स में वैल्यू चेन जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किस टाइप की फैसिलिटी एनालाइजिंग फैसिलिटी करती है मतलब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ठीक है services, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम वो एनालाइज करता है मोनीटर करता है कि ये जो भी परफॉर्म हो रहे हैं ऑपरेशन वो अच्छी तरीके से हो रहे हैं कि नहीं और ऑल्सो एज़ वेल एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कटिंग एंड differentiation ठीक है आइडेंटिफाई करता है कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कटिंग से क्या डिफाइन uh, करना चाहता है मतलब बताना चाहता है कॉस्ट कटिंग क्या बताना चाहता है बताना चाहता है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट uh, की प्राइस कितनी होगी उसे भी फिक्स करने में वैल्यू चेन रोल प्ले करता है फिर वैल्यू चेन को प्रपोज uh, कौन किया था मतलब एक तरीके से कह सकते हो डिस्कवर किसने किया था डिज़ाइन किसने किया था कॉमर्स e की फील्ड में तो माइकल पॉटर ने किया था ठीक है आ, और इट इज़ अ टूल फॉर आइडेंटिफाई वे टू क्रिएट मोर कस्टमर्स वैल्यू ठीक है ये एक तरीके का टूल्स है जो कि हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरीके से हम कस्टमर्स को अपनी तरफ अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बना सकते हैं ठीक है वैल्यू चैन के पोर्टर्स की बात करें तो वैल्यू चैन जो है में ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है तो ये जरूर अगर वैल्यू चैन का कॉन्सेप्ट आकर आपके एग्जाम में आने वाला है तो ये पूछा जा सकता है कि सपोर्ट एक्टिविटी क्या होता है या प्राइमरी एक्टिविटी ये दोनों मिलकर ही वैल्यू चैन को कंप्लीट करते हैं ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो सपोर्ट एक्टिविटी जो होता है उसमें आता है फेम इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डिपार्ट डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट ठीक है प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या आता है इन बाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन आउट बाउंड लॉजिस्टिक मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज ठीक है तो इसके पाँच हैं प्राइमरी एक्टिविटी के और सपोर्ट एक्टिविटी के चार हैं तो ये प्राइमरी एक्टिविटी एक तरीके से कह सकते हो बेस होता है जिसको सपोर्ट एक्टिविटीज़ के ये सभी टर्म्स सपोर्ट करते हैं इन सभी टर्म्स को ठीक है और ये मार्जिन है ठीक है मार्जिन ऐसे आ, बना दीजिएगा मतलब ये डायग्राम है ठीक है तो डायग्राम में ऐसे देख लीजिए इसके हर पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे पहले प्राइमरी एक्टिविटी के सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद सपोर्ट एक्टिविटीज़ के जो चार पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे तो पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज से स्टार्ट करते हैं तो प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने देखा था कि पांच केसेस होते हैं ठीक है तो पहला केस जो है प्राइमरी एक्टिविटी का वो होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक ठीक है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होता है द रॉ मटेरियल्स विच आर गेट बाई द सप्लायर ठीक है तो ये इस टर्म में लो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में जो भी रॉ मटेरियल होता है वो यहाँ पर कलेक्ट uh, करते हैं कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में और ये कौन पहुंचाता है हमारा कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन तक ठीक है सप्लायर ठीक है तो इस टर्म में क्या इंपॉर्न लॉजिस्टिक कंटेन करता है वेयर हाउस इन्वेंट्री मटेरियल हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट ठीक है तो ये सब टर्म्स की मेंटेनेंस को आइडेंटिफिकेशन को इस केस में देखा जाता है ठीक है ये स्टार्टिंग फेज होता है पहले रॉ मटेरियल्स को तैयार करना ठीक है फिर उसके बाद क्या करेंगे वो रॉ मटेरियल जैसे ही इंडस्ट्रीज के पास पहुंचेगा तो इंडस्ट्रीज क्या करेगी उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेगी तो वही ऑपरेशन हुआ ठीक है तो इन दिस द रॉ मटेरियल्स वीच आर गेट बाय द सप्लायर वी कन्वर्ट देम इनटू अ फिनिश्ड गुड और प्रोडक्ट ठीक है तो ऑपरेशन में हम ये करते हैं ठीक है तो पहले रॉ मटेरियल आया रॉ मटेरियल को उसकी को सप्लायर्स की हेल्प से आ, हमने अपने कंपनी में लेकर आए और फिर उस को कन्वर्ट किया फिनिश्ड गुड में और प्रोडक्ट में ठीक है फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक आउट बोन आउटर की बात कर रहा है इन दिस वी ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट टू दी कस्टमर और कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ठीक है तो अब हम इस फेज में क्या करते हैं इस फेज में हम जो भी हमारा फिनिश्ड गुड है उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द कंज्यूमर्स ठीक है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओके ये हो गया तीन फेज हो गए प्राइमरी एक्टिविटी के फिर दो फेज आते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या करते हैं हमने हमें अपना हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है उसे प्रमोट करते हैं एडवर्टाइज़ करते हैं और उसकी प्राइस को फिक्स करते हैं हाँ प्राइस डिसीज़न तो ये मार्केटिंग एंड सेल्स में आता है फिर सर्विसेज में क्या आता है सर्विसेज में जो भी हम कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्ट कंपनी जो भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है प्रोवाइड कर रहा रही है कस्टमर्स को तो वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है ताकि लॉन्ग लास्टिंग तक कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट को यूज़ करें या उनके सर्विसेज को यूज़ करें तो इंस्टॉलेशंस प्रोवाइड करवाती है रिपेयरिंग हुआ या कस्टमर सर्विस इन फ्यूचर किसी टाइप की प्रॉब्लम हुई उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड तो उन सब के लिए तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिविटी यहाँ से हमारा जो है सपोर्टिव ठीक है सपोर्ट एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है जो कि इसमें हम चार टर्म्स डिस्कस करेंगे फेम इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट फेम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है हम मोनिटर करते हैं ठीक है मोनिटर दी मैनेजमेंट्स प्लानिंग फाइनेंस ऑफ द फॉर्म इट मोनिटर द फ्लो ऑफ अदर एक्टिविटी तो जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होता है कंपनी में प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए तो उसको मॉनिटर करने का काम करता है फेम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जो भी एम्प्लॉयर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए ये डिपार्टमेंट होता है तो मैनेजमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स हु वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल डेवलपमेंट जो टेक्निकल से रिलेटेड मैनेजमेंट्स होते हैं ठीक है और कैसे हम अपनी जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सके ठीक है वो सब को फोकस इस फेज में किया जाता है हाँ फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव प्रोडक्शन और मैनुफेक्चरिंग uh, रेट, ठीक है तो कैसे किस टेक्नोलॉजी के या किस वे से कौन सी नई से नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिससे कि हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट जो है लास्ट होता है ठीक है सपोर्ट सपोर्ट चैन का या सपोर्ट एक्टिविटी बोल सकते हो तो सपोर्ट एक्टिविटी का ये लास्ट फेज़ है जिसमें ये क्या करता है प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड होता है ये वर्ड सप्लायर से ठीक है थीके? तो जो भी सप्लायर होता है जिससे भी हम अपने प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं हाँ उसके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के पीपल्स हैं उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशंस हो रही है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो टाइमली हमारे वेयर हाउस तक पहुंच जा रहा है कि नहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट टाइमली ना पहुंचे और आ, हमें हमारा काम रुकना पड़े ठीक है तो ये सारे फेसेस थे तो मैंने ट्राई किया है कि इसमें आपको वैल्यू चैन के छोटे छोटे डेफिनेशंस बताई जाएँ और सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया जाए ठीक है तो ये हमारा वैल्यू चेंज था और ये उसका डायग्राम था एक बार डायग्राम ज़रूर देख लीजिएगा इसे पॉज करके एक बार बना ज़रूर लीजिएगा एग्ज़ाम में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ओके थैंक यू